नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठंड के मौसम तो लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी अब समाप्त होने वाली है। अब हम लोग फरवरी में इंटर कर रहे हैं। प्लांट्स को थोड़ी राहत तो मिली है ठंड की वजह से, थोड़ी धूप निकलना शुरू हो गया है, पर अभी फ्लावरिंग होने की वजह से फ्लावरिंग टाइम है। अभी वो सारे फ्लावर खिलना शुरू कर देते हैं, पर साथ में कीड़े जितने भी हैं इंसेक्ट्स वो भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे प्लांट्स को केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ग्रोइंग भी है, सारे वेजिटेबल्स ग्रो भी हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रहे हैं, जिसके वजह से कीड़े वगैरह भी ज़्यादा लग जाते हैं। ख़ासतर से घिया वगैरह जो भी इस देखने में सॉफ्ट, पर उसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए हमें ध्यान देना केयरिंग। ठंड में तो अच्छी धूप निकल जा रही है, पर शाम में थोड़ा ठंड लगता है, ठंड रहता है। फिर भी ये देखिए, जैसे मैं आज मैं आपको बता रही हूँ, पेस्टिसाइड, होम मेड पेस्टिसाइड तो नहीं बोलेंगे, फिर भी लिक्विड ये मार्केट से ही मैं परचेज कर रही हूँ। नीम का ऑयल है ये, आपको ये पतंजलि की दुकान में आराम से मिल जाएगा। इसका रेट 90 रुपये लिखा है, मैं 70 रुपीज़ में खरीदी थी, पिछले साल ही खरीदी थी मैं, लास्ट ईयर। अभी है, काफ़ी है इसमें, बस इसका ज़्यादा मात्रा नहीं डालते हैं, बस दो बूंद काफ़ी है। और बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ आपको, फिर रेट दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं, कैमरे की थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से धुंधला सही से नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं ऑरली बता दी आपको, 90 रुपीज़ रेट लिखा था, 70 रुपीज़ में आराम से मिले। अब इसका बनाने का मैं टिप्स बता रही हूँ। जैसे आपके पास कोई भी मग हो, छोटा मग हो या बड़ा मग हो, पानी ले लीजिए और हिसाब से हाफ टेबल स्पून सर्फ डालकर, बोतल्स में भी अगर आपके पास अवेलेबल है बोतल्स, तो जस्ट बोतल तो उसमें डालकर यूज कर सकते हो, मतलब सेक कर भी कर सकते हो। नहीं तो मेरे पास दो मग थे, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास बोतल्स, ऐसे रहता है पर अभी था नहीं, इसलिए मैं दोनों मग पे डालकर इस्तेमाल कर रही हूँ दोनों मग से। और ये नीम ऑयल जो है, बस मैं लगभग दो बूंद डाली हूँ, बस ज़्यादा नहीं डालना होता है इसको, और डाल को अच्छी तरह से इसको सेक कर लेंगे, नहीं तो एक दूसरे के मग से डाल कर मिला लेंगे। ऐसे आप बोतल में भी स्टोर करके रख सकते हो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप स्प्रे करना। अभी मैं स्प्रे बोतल में भी डालूँगी, उसका भी तरीका बताऊंगी कि किस तरह डालेंगे। जैसे एक मग पानी, ये देखिए मैं बोतल में पहले ही डाल कर रख ली थी, ये स्प्रे बोतल है मेरे पास, ये एक मग पानी ले लिया। हाँ, ये मग से यदि आपके पास जो बाथरूम में मग है उससे भी कर सकते हो इस्तेमाल, जैसे आधा हाफ से ज़्यादा एक तिहाई मग पानी ले लेते हैं नॉर्मल पानी वाटर, और इसमें 1 कप जो चाय पीते हैं उस कप से ये लिक्विड जो बना हुआ है उसे डालकर अच्छी तरह से सेक कर लेंगे, और स्प्रे बोतल में डालकर सारे प्लांट्स में आप स्प्रे कर सकते हो। इसमें कोई हानि नहीं करेगा आपका, सारे प्लांट्स को कीड़े वगैरह से बचाएगा ये। अभी कीड़ों की शुरुआत शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गए हैं सारे कीड़े वगैरह, चींटियां वगैरह मजा करने लगे हैं, और अच्छे अच्छे फ्लावर्स में और बेजिस में लगना शुरू हो गया। नहीं तो आप नहीं केयर करोगे, ध्यान दोगे तो सारे बेजिस ख़राब हो सकता है। ये देखिए, ये मेरा बोटल गार्ड कद्दू, हम लोग कद्दू बोलते थे, लौकी भी बोलते हैं बहुत कोई,
इसको इसमें देखी मैं काले काले छोटे छोटे निकल लगना शुरू हो गया था कीड़ा। और इससे क्या होगा, दो फलियां मेरे बोतल गार्ड का अपने आप गलकर गिर गया। तभी मैं समझ गई कि वो कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो वह स्प्रे आप बनाई मैं पेस्टिसाइड। और अब तो पता ही है आप लोगों को कि मैं जो भी चीज़ नया करती हूँ या जो भी प्रैक्टिकल करती हूँ आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। इसीलिए आज मैं वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये सजेशन या टिप्स आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा मैं वीडियो बनाई। और सजेशन और अपने प्लांट्स में भी आप यूज करके देखिएगा। और आगे यदि आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी सीखते ही रहती हूँ, आप लोगों से ही सीखती हूँ और कुछ अपनी भी एक्सपीरियंस करती हूँ, तो दोनों चीज़ चलते रहता है। ओके फ्रेंड्स, आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पर एक बात और मैं बोलना चाह रही थी कि इसे हम कोई भी प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, बेजीज में, फ्लावर्स प्लांट्स में, किसी भी प्लांट्स में हम इसे यूज करेंगे। कोई भी प्लांट्स हानि नहीं है, कोई स्पेशली ऐसा प्लांट्स नहीं है कि स्प्रे डालना। किसी भी प्लांट्स में आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए फ्लावरिंग प्लांट है मेरा, इसमें भी मैं डाल रही हूँ।